Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jasani and आज मैं कर रही हूँ vlog क्योंकि हम जाने वाले हैं ब्रूनी आइलैंड पे. अगर आपको नहीं पता कि ब्रूनी आइलैंड कहाँ पे है, तो मैं रहती हूँ टेस्मानिया में, जो है एक आइलैंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और टेस्मानिया का भी एक छोटा सा आइलैंड है जो पार्ट ऑफ टेस्मानिया, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं. हम लेने वाले हैं फेरी. सो लेट्स बिगिन दिस ट्रिप. आर यू एक्साइटेड परव? यस. ओके, तो गाइज अभी हम रुके हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पे जो है वूलवर्थ्स, क्योंकि हमने ना कुछ खाने का सामान यहाँ पे ऑर्डर किया था. तो अभी बस मम्मी अंदर गई है वो ही लेने के लिए. तो आई विल सी यू इन अ बिट. तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड स्टॉप पे, जो हम ब्रूनी आइलैंड के क्रूज जो फेरी है वहाँ पे अभी हम रुकेंगे. बहुत टाइम लेते हैं वो लोग और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ब्रूनी आइलैंड. सो आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. तो गाइज हमें ना एक मैप मिला है जो ब्रूनी आइलैंड का है, तो मैं आपको सभी को वो दिखाती हूँ. तो गाइज हमें ये मैप मिल चुका है जो ब्रूनी आइलैंड का है. तो आई थिंक हम यहाँ पे हैं राइट नाउ और अभी हम जा रहे हैं. तो गाइज अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं. हमने की ले ली थी अपने रूम की और जहाँ पे हम रुके हैं ना वहाँ पे ना लाइक छोटी छोटी अपार्टमेंट कॉटेज टाइप है. तो मैं आपको पहले देती हूँ टूर इस प्लेस का. सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू. यहाँ पे बहुत अच्छा है, लाइक पहाड़ीज और वहाँ पे बीच भी, अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे बीच भी है. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको देने वाली हूँ ये चर्च हाउस का टूर. वैसे इसको चर्च हाउस कहते हैं लोग, पर आई डोंट नो ये चर्च है या नहीं है. तो आज ये टूर देती हूँ. तो सबसे पहले स्टेयर से आप यहाँ आएंगे, डेक है ये. यहाँ पे एक बेंच है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे है बारबेक्यू, जो हम यही यूज़ करेंगे. और यहाँ पे ना बहुत सारी वाइल्ड चीज़ें हैं, प्लांट्स वगैरह. तो उसके बाद अगर आप अभी देखें, ये एक्चुअली मुझे ना फिल्मों में देखा है ऐसा हाउस और मैं पहली बार इसको विजिट करने वाली हूँ. यहाँ पे डेकोरेशन के थोड़े से पीसेस हैं. और उसके बाद जब हम ओपन करते हैं डोर, सबसे पहले देखो परव को देखिए. पहले परव, आर यू लविंग दिस? यस आई एम ट्राइंग. तो ये पियानो, हमारे पास यहाँ पे पियानो भी है तो इसलिए वो बजाता रहे. जो है इस परव को इग्नोर करिए. और सबसे पहले यहाँ आता है ये टेबल, उसके बाद आता है ये एल काउच क्योंकि ये एल शेप का है. उसके बाद आता है ये छोटा सा बेड काउच टाइप थिंग. टीवी है, पियानो आपने अभी देख लिया. फिर ये दोबारा से एक काउच है. ये है बॉन फायर प्लेस. और यहाँ पे है एक पिक्चर. और यहाँ पे देखो इंडियन फैंस भी है जो हमारे ऑस्ट्रेलियन हाउसेस में नहीं होते. तो इंडियन फैंस भी, और इनकी ना विंडो आई थिंक ऐसे है जैसे चर्चेज में होती है विंडोज, आई थिंक चर्च हाउस ही है. उसके बाद यहाँ पे एक डोर भी है जिसमें हम बाहर जाएंगे, बट आई डोंट नो डोर का हाउ टू ओपन दिस, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. तो उसके बाद यस, इसके बाद यहाँ पे छोटा सा किचन है, थोड़ा सा मिनिएचर साइज किचन है. यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, डाइनिंग टेबल है. उसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी रखी हुई सारी, और यहाँ पे पजल्स और बुक्स है. एंड उसके बाद हम चलते हैं घूम रहे, सो एक्साइटेड. सो एक्चुअली देखो ये यहाँ पे क्लॉक भी है और ये डेकोरेशन के फिश पीसेस भी हैं. उसके बाद हम चलते हैं ऊपर. कम ऑन परव, नो 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 डोंट ओपन दैट. ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक ये शिप की फोटो है और यहाँ पे एक फ्रॉग भी है, अगर मम्मी ने फ्रॉग और ये बटरफ्लाई टाइप थिंग. उसके बाद ये आता है हमारा लॉन्ड्री स्लैश बाथरूम. तो यहाँ पे हमारी लॉन्ड्री और आयरन करने के सामान, और यहाँ पे भी एक अमेजिंग सी आर्टिस्टिक पिक्चर है. उसके बाद यहाँ पे आता है वॉश बेसिन एंड दिस इज द व्हाट वी कॉल द शावर, आई मीन बाथ एंड शावर एरिया लिखा हुआ है वॉश. तो आ जाइए हम चलते हैं आगे. तो आगे आता है ये फ्लावर की पेंटिंग. और उसके बाद आता है हमारे फर्स्ट बेडरूम. तो ये बेडरूम है, यहाँ पे भी एक रॉक की फोटोज है. और एक चीज नोटिस किया गाइस आपने, हर कोने में ना कोई कोना नहीं उन्होंने छोड़ा नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आई लाइक पिक्चर्स, सो दैट्स नाइस. तो यहाँ पे ये रूम है और यहाँ पे विंडो है जो आप देख सकते हो वहाँ पे.
बीच देख सकते हो और माउंटेन्स देख सकते हो। उसके बाद अब आएंगे, यहाँ पे है ये चेयर, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो इधर के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में, जो है ये रूम। एंड आई लव दिस, मैं इस रूम में सोऊंगी, मुझे नहीं पता। इसमें ना मुझे ये मिरर बहुत अच्छा लगा। ये है फिर अगेन दिस चेयर एंड अगेन प्यारा सा व्यू। इस इट इज मैन्यू, वो बोलते हैं द नेचर स्टेट, क्योंकि इतना नेचर है, इतना अच्छा वाइब्स आती है यहाँ से। तो यहाँ पे लैंप भी है। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ये वाला छोटा सा रूम। इसमें भी एक मिरर है। इसमें इतना वो नहीं है, नेचर नहीं है इसकी विंडो, अगर आप देखें इतना, मतलब कि नेचर है पर इतना ब्यूटीफुली जो बीच टाइप है वो नहीं है। और यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे टेबल है और ये एक अलमीरा है। एंड आई काइंड ऑफ एक्चुअली लव दिस हाउस, इट्स सो कूल एंड नाइस। तो हाँ, यही था टूर हमारे इस छोटे से घर का। अभी आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितनी हम मस्ती करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मम्मी और डैडी का हो रहा है कॉम्पिटिशन, जिंगा चैलेंज। और परव को देखो, और हम अभी यहाँ पे बाहर बैठ चुके हैं और थोड़ा सा मजा कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम गए थे एक रेस्टोरेंट, हमने खाए थे पिज्जा, पास्ता, चिकन और क्या खाए थे, फ्रेंच फ्राइज खाए थे। पर हम ब्लॉग करना हम नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी और डैडी का फ़ोन जो था उनमें बैटरी नहीं थी, चार्जिंग नहीं थी, तो इसलिए हम व्लॉग नहीं कर पाए। इसके बाद हम आ गए हैं घर और हमने लगाया बॉलीवुड सीजन सॉन्ग, सो लेट्स डांस ऑन दैट। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं इसका नाम है मैरी बर्नी के एक कैफे स्लैश ब्रंच स्पॉट पे। तो अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं मेन्यू एंड उसके बाद आई थिंक हम जाएंगे बीच पे। यहाँ पे ना एक बीच भी है इसके बहुत पास, तो हम जाएंगे वहाँ पे बीच पे, थोड़ी देर वहाँ पे स्विमिंग करेंगे। उसके बाद हम जाने वाले हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस जब ओशन में जब बोट्स चलती है, शिप्स चलती है, तो अगर
इतना फॉग हो जाए या जो ड्राइव जो सेलर है उसको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, जैसे फॉग हो जाए, तो इसीलिए लाइट हाउस का इस्तेमाल करते हैं कि लाइट दिखाने के लिए कि किस तरफ तुम्हें जाना है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर एंड we'll see you guys in a bit। एंड ये देखिए यहाँ से देखिए आप एक्टोपस को, सी दिस व्यू एज वेल, वहाँ पे वेव्स चल रही हैं। और ये ना जो ये छोटा सा टाइप दिख रहा है आपको, ये म्यूजियम है, ये सेलिंग म्यूजियम है। तो I'll see you guys in a bit when we reach the top। So now we're going to the top. I'll use the stairs and then I can see. I'll show you something. So we reached the top, which was 220 steps. Daddy ने काम किया, मैंने नहीं, मेरे में इतनी कमी है अभी तक। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और जो फोटोज हैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, as I told you guys. So I'll show you. So guys, we are back in Hobart and yes, that was all for this 2 days ka vlog. I'll see you guys in my next video. So say bye Parv. Bye. Yeah, to बताना ज़रूर कि कैसा लगा एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड लाइक। बाय गाइज।